कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी क्योंकि जांच एजेंसियों का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को फंसाया जा रहा है। हरीश रावत से बात की हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने। हरीश रावत हमारे साथ हैं सर, आज ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश होंगी, कैसे मानते हैं विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? सत्यमेव जयते, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे के साथ हजारों हजार कार्यकर्ता दिल्ली में और लाखों लाख कार्यकर्ता देश भर में आज सड़कों पर विरोध प्रकट कर रहा है क्योंकि लोकतंत्र खतरे में। ये विपक्ष की आवाज को दबाने का जो षड्यंत्र है, ये उस षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस जन और जनता का आक्रोश है, विपक्ष का आक्रोश। आप विरोध पक्ष को जो है डराना चाहते, धमकाना चाहते हैं और ये भूल गए हैं कि कांग्रेस के नेतागण किस मिट्टी के बने हुए हैं, कि उनका डीएनए क्या है, जिनके बुजुर्गों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और भारत में संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित किया। और जब आज संवैधानिक लोकतंत्र खतरे में है तो ऐसे में कांग्रेस के नेतागण प्राण दे करके भी उसकी रक्षा करेंगे, कांग्रेस प्राण दे करके भी संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। लेकिन जांच एजेंसी सर जांच कर रही है, विरोध कैसा? जांच एजेंसी के सामने सोनिया जी पेश हो रही है, जांच एजेंसी को कांग्रेस ने खड़ा किया। हमारे संविधान सम्मत तरीके से खड़ा किया गया है, मगर जो उसका दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता और विपक्ष के लोग सड़कों पर हैं। कांग्रेस दफ्तर में आज आलाकमान की बैठक भी होनी है, सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी। देखिए अब ये सब रणनीति के सवाल हैं, जिस तरीके की स्थितियां आएंगी और उसका तदनुरूप जो है निर्णय लिया। आप तमाम नेता पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर में? जी, तो बिल्कुल आज तमाम नेता कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि ईडी के सामने पेश होने से पहले सोनिया गांधी भी कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगी। हालांकि इसके लिए रणनीति तैयार की जानी थी और सुबह के समय ये मीटिंग लगभग शुरू होने जा रही है और यही सिलसिला लगातार जारी है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस मुख्यालय में लगातार पहुंच रहे हैं। कमिश्नर मुकेश चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।